हमारे पास ये अभी लिनो का एक लैपटॉप आया है रिपेयर के लिए। लिनो का लैपटॉप देख सकते हैं, मैंने एडाप्टर लगाया है। एम्पियर जो है एम्पियर 0.028 आ रहा है। ये स्टैंड बाय एम्पियर इन्हें ले चुका है लैपटॉप, जिसमें एसफाई ऑन हो चुका है इसका। मगर देखो यहाँ पे मैं बटन से दबाता हूँ, पावर बटन से, तो पावर बटन से ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो ये लैपटॉप पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ के लैपटॉप को यहाँ पे निगेटिव स्विच करके देखेंगे कि ऑन होता है क्या, क्योंकि ये लैपटॉप में ये पावर बटन के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये डायोड मोड पे रखा है, 21.9 पे है, और मैं निगेटिव स्विच जब भी करता हूँ तो देखो ये एम्पियर बढ़ गया और लैपटॉप ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी आ गया है। ठीक है, डिस्प्ले अभी यहाँ पे आ चुका है। तो ये पावर जो स्विच है वो स्विच में इशू है, पावर स्विच का पैनल जो होता है वो पैनल में क्या इशू है ये हम अभी देखेंगे, इसको निकालेंगे हम लोग। ये पावर स्विच में एक कॉमन इशू होता है, यहाँ पे एक ट्रैक होती है इसकी बैक साइड में, वो ट्रैक रेगुलर में वो ट्रैक ख़राब होने का इशू होता है जो स्विच तक जाती है। ये ट्रैक को हम लोग ज्वाइन करके आपको वापस चेक करके दिखाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रैक था, जो ट्रैक वहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैक वहाँ पे ज्वाइन किया है, वो ट्रैक यहाँ से यहाँ बीच में से कट गया था। और ये स्विच है आपका, ये ट्रैक हम लोग ने यहाँ पे डाला है। अभी हम लोग ये लैपटॉप में लगा के चेक करते हैं कि बटन से ऑन होता है क्या सिस्टम आपका। ऑन कर दिया है, देखो बटन जैसे दबाया आपका सिस्टम ऑन हो चुका है। तो लिनोवो लैपटॉप का ये जो कॉमन प्रॉब्लम होता है स्विच पैनल का, वो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। थैंक यू।